अब यहाँ देखिए, कुछ डार्क प्रिंट के जो कपड़े होते हैं ना, अक्सर ब्लू और पिंक इस टाइप के कपड़े तो हमेशा कलर छोड़ते हैं और बार बार छोड़ते रहते हैं। आज मैं 2-4 कपड़े ऐसे आपको दिखा रही हूँ जिनका कलर का फेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इनका कलर यहीं का यहीं फिक्स हो जाए। जितना भी थोड़ा बहुत कलर निकलना है वो यहीं पर ही निकले, उसके बाद ये कपड़े बिल्कुल आसानी से धो लें, किसी भी कपड़े के साथ कोई प्रॉब्लम ना आए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, लेडीज़ तो खास तौर से गर्मियों में कॉटन ही पहनना पसंद करती हैं। अब कॉटन के कपड़े हम ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार उनका जो कलर ब्लीड करता है ना, उससे बड़ी परेशानी होती है और कई बार ये कपड़े श्रिंक भी हो जाते हैं। कपड़े जब सिलवा लो उसके बाद जब श्रिंक होते हैं, तो जब आप प्रेस करते हो तब आप समझते हो कि एक पोर्शन उसका लूज हो नीचे जा रहा है, एक पोर्शन ऊपर रह जाता है। ऐसे में बहुत बुरा लगता है, उसे पहना नहीं जाता और फिर हटा ही देते हैं। कई बार तो मार्केट से या ऑनलाइन खरीद लेते हैं, जब उसको पहनने के बाद वॉश करते हैं तब ये परेशानी आती है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, पानी लेना होगा ठंडा, गर्म पानी बिल्कुल ना लें। कम से कम 10-12 लीटर पानी लें एक बड़े बर्तन में। आप करीब करीब एक मुट्ठी भर के, मतलब आप 50 से 60 ग्राम करीब आप ले लें फिटकरी। फिटकरी जिसको एलम कहते हैं, ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप पर मिल जाएगा। इसको आपको क्या करना है, कूटना है। अब कूट के आप इसको इसमें पानी में डालकर गलाने दीजिए। उसके बाद अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है मेरे वीडियोस आपको पसंद तो बहुत आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर देते हो। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये टोटल फ्री है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो डाल रही हूँ हमारे घर में, दूसरा होता है वो है नमक। नमक इसमें कम से कम 2 मुट्ठी भर के डाल दीजिए, करीब करीब वो भी 100 ग्राम के आसपास। डिपेंड करता है आपने कितना पानी लिया है। मैंने 10-12 लीटर पानी लिया है और उसमें 8-9 कपड़े हैं, तो उसके लिए इतना काफ़ी है। अब आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे सारे कपड़ों को खोलते हुए एक ही पानी में आप डालते जाइए, बिल्कुल मत डरिए। यहाँ आपने देखा, तीनों सूट मैंने एक ही जगह डाल दिया, एक ही पानी में डाला, क्योंकि मुझे बिल्कुल डर नहीं है इस पर जो व्हाइट प्रिंट है उस पर कलर जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये मेरी गारंटी है अगर आपने इस तरीके से इस ट्रिक को फॉलो किया। घर में यदि आप भी डार्क कलर की कॉटन की बेडशीट भी लेते हैं, उन्हें भी आप इस तरीके से उनका कलर फिक्स कर सकते हैं। अब आपको फिटकरी वाले पानी में और नमक वाले पानी में सारे कपड़ों को भिगो के रखना है कम से कम 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे बाद मैं आपको मिलती हूँ और कपड़ों को दिखाती हूँ। चलिए, 2 घंटे हो गए हैं, मैंने एक साफ पानी की बाल्टी ले ली है। अब एक एक कपड़े को हमें उठाते जाना है और साफ पानी में हमें डालते जाना है। अब कुछ कपड़ों का तो वही कलर फिक्स हो जाता है, नहीं निकलता है बिल्कुल, लेकिन कुछ कपड़ों का कलर तब भी निकलता है, लेकिन आज ही निकलेगा, आज के बाद फिर कभी नहीं निकलेगा। सारे कपड़ों को आप साफ पानी से 1-2 पानी में आप वॉश करते जाइए, जिससे पूरा नमक और ये जो फिटकरी है वो सारा निकल जाए। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस फिटकरी और नमक को डालने से हमारे कलर तो फिक्स हो जाते हैं, लेकिन कपड़े थोड़े से हार्ड से हो जाते हैं। इनको हम सॉफ्ट कैसे करेंगे बिना किसी सॉफ्टनर के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हल्का येलो कलर निकला है, लेकिन आगे नहीं निकलेगा। जिस किसी में भी वाइट प्रिंट है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, वाइट कलर वाइट ही है और डार्क कलर डार्क ही है। सारे कपड़ों को इसी तरीके से सारे पानी से निकाल लीजिए। ये जो पूरा पानी कलर वाला है इसे आप हटा दीजिए। अब यहाँ पर क्या लेंगे, एक बाल्टी फिर से पानी की लेंगे, इसमें 2 चम्मच करीब करीब आप विनेगर डालेंगे। विनेगर जो सिरका होता है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, वही विनेगर, उसमें आप इन कपड़ों को डाल दीजिए कम से कम 1/2 घंटे के लिए। उसके बाद अब क्या कीजिए, सारे कपड़ों को आप चाहें तो ऐसे ही डाल दें या फिर इस तरीके से सुखाएं, हल्का सा सुखाते जाएं, जिससे होगा ये कि बस ये फटाफट से सूख के तैयार हो जाएंगे। आप देख रहे हैं सबकी प्रिंट वाइट है, वो एज इट इज रही है और किसी का भी कलर खराब नहीं हुआ है। मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। एक और बात, कई लोग घर में या बाहर कॉटन की साड़ियाँ भी पहनते हैं गर्मियों के दिनों में। कॉटन की साड़ियाँ बिना कलफ के बिल्कुल बेकार लगती हैं। साड़ियों के ऊपर कलफ कैसे लगाया जाता है, इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगी, वो भी आप जरूर देखें, आपको बेहद पसंद आएगा। और धूप में बिल्कुल न डालें। अब एक बार जब कपड़ों के ऊपर कलर फिक्स हो गया तो हमारी टेंशन खत्म। अब आप सारे कपड़ों को क्या कीजिए, सुखा कर एक बार आयन कर दीजिए और आप इसे अगर
मटेरियल है तो आप सिलवाने डालिए, अगर सिले हुए कपड़े हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब आपके कपड़े श्रिंक भी नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ी सी रख रखाव सिर्फ एक दिन का काम कर लेंगे तो कभी आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे कपड़ों का कलर उतर तो नहीं गया या मेरे कपड़ों का कलर किसी व्हाइट कपड़ों के ऊपर तो नहीं गया। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।